देहरादून से एक दुर्घटना की खबर आ रही है, जहां पर हम आपको बता दें कि दुर्घटना में सड़क हादसे में 7 की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। देहरादून से कर्णप्रयाग आ रही थी महिंद्रा मैक्स गाड़ी और देवप्रयाग से 6 किलोमीटर पहले पंत गांव शिव मंदिर के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। तो देहरादून से इस वक्त दुर्घटना की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हम आपको बता दें कि देहरादून से कर्णप्रयाग आ रही थी एक महिंद्रा मैक्स और देवप्रयाग से 6 किलोमीटर पहले पंत गांव शिव मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि गाड़ी में श्रद्धालु शामिल थे और देहरादून से कर्णप्रयाग आ रही थी ये महिंद्रा मैक्स गाड़ी और देवप्रयाग से 6 किलोमीटर पहले पंत गांव शिव मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और इस मामले में अधिक जानकारी के साथ अजय पांडे देहरादून से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, एक मैक्स जा रही थी ये कर्णप्रयाग यात्रियों से भरी हुई और ये ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग के पास जो पंत गांव है वहां पर ये अनियंत्रित होकर के लगभग 150 मीटर जो बरसाती नाला है एक उसमें जाकर के गहरे में गिर गई और इसमें 13 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग अभी घायल हैं, जिसमें 2 लोगों की स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। अजय, गाड़ी के अनियंत्रित होने की वजह स्पष्ट हो पाई है अभी? देखिए, अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ड्राइवर की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है और जो प्रशासन के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये घटना किस तरह से क्यों हुई। और जो अभी फिलहाल जो प्रशासन का जो मुख्य फोकस है, जो घायल है उनके इलाज को लेकर के पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। जी, सुबह कितने बजे का हादसा है अजय? देखिए, ये देर रात के टाइम की घटना है और उसके बाद जितने जो घायल थे उनको लेकर पहले श्रीनगर के बेस अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां पर क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं थी तो उनको रेफर किया गया देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में और घायलों का वहां पर इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है राजधानी देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर दूर देहरादून कर्णप्रयाग मार्ग में, ये बद्रीनाथ मार्ग में ये घटना हुई है। जी अजय, क्या पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस के द्वारा अभी तफ्तीश किस तरह से की जा रही है, कहां तक उनकी जांच पहुंची है? देखिए, जब घटना हुई उसके बाद से स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी आपातकालीन सेवा 108 को दी, पुलिस प्रशासन को दी। उसके बाद से जो अफसर हैं वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया और अभी जो वो पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसमें अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हालांकि इस घटना पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने और राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने शोक व्यक्त किया है और उन्होंने घायलों के इलाज की जल्द से जल्द जो भी समुचित व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, तो क्या अजय इस हादसे में मृतक के परिजनों को कोई मुआवजे का ऐलान हुआ अभी? जो मृतक हैं उनके जो सरकारी जो मुआवजे का जो की व्यवस्था है उसका ऐलान हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 2 दिन के अंदर ये उत्तराखंड में दूसरी ऐसी घटना है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन पहले भी त्योनी मोटर मार्ग में 8 लोगों की मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये लगभग 24 या 25 घंटे के बीच में जो है लगभग 16 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन की ओर से जो जो घायलों के लिए जो है इलाज की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके परिवार को जो है उनको भी राहत पहुंचाने की बात कही गई। जो जिस तरह से अजय देखा जा रहा है कि महिंद्रा मैक्स गाड़ी थी और इसमें करीब 13 लोग सवार थे, तो कहीं ना कहीं ओवरलोड भी इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में जो सड़क मार्ग हैं उनकी स्थिति जो प्लेन के एरिया हैं उनसे काफी भिन्न है और अक्सर ये देखा जाता है जो घटनाएं होती हैं उसमें ओवरलोडिंग की वजह से ये घटनाएं होती हैं, ओवरलोडिंग होती है। प्रशासन के जो अफसर हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि इन गाड़ियों में
जो निर्धारित संख्या है उससे अधिक लोगों को सवारियों को क्यों बिठाया जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि समय समय पर जो ड्राइवर उनका प्रशिक्षण नहीं किया जाता है, इसके बारे में भी जांच नहीं की जाती है कि वो ड्राइवर उस रूट पर गाड़ी चलाने के लिए जो चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो ड्राइवर अभी ट्रेन नहीं होते हैं, फिर भी उनको वहां पर सवारियों को ले जाने के लिए भेज दिया जाता है और उनकी वजह से ये घटना होती है। और एक और समस्या इसमें एक और बात है, प्रमुख बात ये है कि जो ड्राइवर होते हैं उनकी इस चीज की भी जांच नहीं की जाती है कि वो नशे में है या नहीं। तो इन मार्गों पर जो घटनाएं होती हैं उसमें ओवरलोडिंग के साथ साथ नशा भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन अक्सर इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से काफी संख्या में जो जिंदगियां हैं वो समय काल का ग्रास करती है। जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देहरादून में देवप्रयाग से 6 किलोमीटर पहले पंत गांव शिव मंदिर के पास अचानक महिंद्रा मैक्स अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं।